साल 2023 राजस्थान में विधानसभा चुनावों का माहौल अब तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह जो टिकट की उम्मीदवारी कर रहे हैं उन लोगों के पोस्टर और बैनर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पोस्टर और बैनर में कुछ ऐसे और पोस्टर और बैनर भी नजर आने लगे हैं जो अब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जी हां, इस समय राजस्थान के लगभग हर हिस्से में एक पोस्टर और बैनर और इसके साथ होर्डिंग लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। जी हां, पिछले 3 दिनों से राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अब ये पोस्टर और बैनर नजर आने लगे हैं। करीब 15 दिन पहले अगर बात की जाए तो अलवर में ये पोस्टर और बैनर देखने को मिले थे, तो 3 दिन पहले सांचौर से एक युद्ध स्तर पर ये पोस्टर और बैनर अब सड़कों पर, दुकानों पर, गलियों में, नुक्कड़ और चौराहे पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वजह भी एक बड़ी वजह है। जी हां, प्रदेश के लाखों तृतीय श्रेणी शिक्षक जो पिछले 5 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके तबादले किए जाएं, उनको भी अपने घर के पास किसी नजदीक के स्कूल में लगाया जाए ताकि वह अपने बीवी, बच्चों और माँ बाप के साथ रहे। लेकिन पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग में हर वर्ग को तबादलों की सौगात मिली है, लेकिन करीब 2.5 लाख ऐसे थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं जिनको इन तबादलों की सौगात नहीं दी गई है। अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2021 अगस्त में थर्ड ग्रेड शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए तबादलों के लिए आवेदन मांगे थे। अगस्त में ये आवेदन मांगे गए थे, इस दौरान करीब 85,000 शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन वो आवेदन आज भी धूल फांक रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से हर बार ये बात कही जाती है कि तबादला नीति के तहत थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री हो, चाहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। वो भी कई सार्वजनिक कार्यक्रम में ये कह चुके हैं कि थर्ड ग्रेड के तबादले तो होंगे, लेकिन वो तबादले पॉलिसी के तहत होंगे। अब शिक्षकों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जब हर विभाग में बिना पॉलिसी के तबादले हो रहे हैं, शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, क्लर्क हो, बाबू हो या ऑफिस स्टाफ हो, इनके तबादले भी बिना नीति के किए जा रहे हैं, तो आखिर थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने ही सरकार का क्या बिगाड़ा है कि नीति के नाम पर उनके तबादलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में कुछ हैशटैग चल रहे हैं, जिसमें हैशटैग तबादला नहीं तो वोट नहीं, हैशटैग थर्ड ग्रेड तबादला हमारा हक है, हैशटैग थर्ड ग्रेड ट्रांसफर करो। यानी कि अगर प्रदेश के विधायकों की बात की जाए तो 50 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और इन पत्रों का एक पुलिंदा बनाकर थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने, जो कांग्रेस आला कमान है दिल्ली में, उस तक भी पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षकों के बारे में अभी तक भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है। ऐसे में अब प्रदेश के थर्ड ग्रेड शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों ने साफ चेतावनी दे दी है कि यदि उनके तबादले नहीं हुए तो वह सरकार के खिलाफ सामने आकर खड़े होंगे। इसके साथ ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने एक अभियान चला दिया है जिसमें अब वो घर घर जाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यदि थर्ड ग्रेड के तबादले नहीं होते हैं तो वो मौजूदा सरकार को वोट नहीं देंगे। देखिए, अगर बात की जाए, तकरीबन 2.5 लाख ये शिक्षक हैं, 2.5 लाख शिक्षकों से जुड़े हुए उनके परिवार, यानी कि यह आंकड़ा तकरीबन 20 से 25 लाख पहुंच रहा है। इसके साथ ही स्कूलों ने, अब जो शिक्षक हैं उन्होंने स्कूलों में शपथ लेनी भी शुरू कर दी है कि यदि सरकार उनके तबादले नहीं करती है तो एक भी शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, मौजूदा सरकार को वोट नहीं देगा। ऐसे में अब राजस्थान के हर हिस्से में ये जो पोस्टर और बैनर हैं ये चर्चा का विषय तो बने हुए हैं, इसके साथ ही सरकार का सिरदर्द भी बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब आचार संहिता लगने में कुछ ही समय बचा है, तो क्या सरकार इन थर्ड ग्रेड शिक्षकों को मनाने में कामयाब होगी या थर्ड ग्रेड शिक्षकों का आक्रोश मौजूदा सरकार पर भारी पड़ सकता है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।